हेलो गाइस, ये मेरे पास आया है एम आई का नोट 6 प्रो, और ये अभी तक इसकी सील्ड भी नहीं खुली है, यानी कि ये मेरे पास आया है डैड, इसे फर्स्ट टाइम मैं ही खोलूँगा। तो ये है हमारे पास डैड फ़ोन, और डैड फ़ोन को फाइंडिंग करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं जो नॉर्मली हम फ़ोनों को फाइंडिंग करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है पीसी से कनेक्ट करके, कि जब फ़ोन हमारा पैक आता है हम उसको पीसी से कनेक्ट करते हैं। अगर वो डायरेक्ट पोर्ट वगैरह बना लेता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी ईएमसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। फिर हम सेकंड जो हमारा होता है डीसी से, डीसी की रीडिंग, और थर्ड जो हमारा होता है यूएसबी चार्जर से। तो मैं इसको कनेक्ट करूँगा अपने पीसी से और देखता हूँ कि हमारे फर्स्ट टाइम में प्रॉब्लम हमारी फाइंड होती है या प्रॉब्लम फाइंड नहीं होती है। तो मैंने इसको अपने पीसी से कनेक्ट कर दिया, तो अब देखते हैं कि हमारा इसमें पोर्ट बनता है या पोर्ट नहीं बनता है। गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारा इसमें डायरेक्ट पोर्ट बन चुका है, और मैं ये जैसे ही मैं इसकी केबल को रिमूव करूँगा तो हमारे यहाँ से पोर्ट रिमूव हो जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ गाइस, ये हमारा पोर्ट, ये तो इसके अंदर जो है प्रॉब्लम वो है ईएमसी से रिलेटेड, या तो हमारी ईएमसी की हेल्थ ख़राब हो गई होगी या हमारी ईएमसी ड्राई हो गई होगी। तो मैं इसकी हेल्थ को पहले चेक करूँगा अपने यूएफआई बॉक्स से। तो अगर आपको भी पूरी रिपेयरिंग करनी है तो आपके पास भी जो आपके पास जो टूल हैं वो सारे टूल अवेलेबल होने चाहिए, जब भी आप कोई भी फ़ोन रिपेयर कर सकते हो। तो गाइस, मैं जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ, आईसी को रिमूव कर लेता हूँ और अपने यूएफआई में लगा के और चेक करता हूँ कि हमारी इसकी हेल्थ ख़राब है या हमारी ईएमसी ड्राई हो चुकी है। बोर्ड हमने रिमूव कर लिया है, बट एक नोट 6 प्रो की एक प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर जो हमारी ईएमसी लगी होती है ना सैंडिक्स की, तो इस ईएमसी में इतनी प्रॉब्लम होती है कि भाई ये प्रोग्राम होती ही नहीं है। ये हमारी जो ईएमसी होती है ये डेड हो जाती है। तो उसको चेक करते हैं कि ये हमारी ईएमसी जो है ये प्रोग्राम होने लायक बची है या फिर डेड हो चुकी है। सो गाइस, हमने अपनी ईएमसी जो है वो रिमूव कर ली है, अब हम चेक करेंगे इसकी हेल्थ, ये रिपेयर होने लायक हमारी ईएमसी बची है या नहीं बची है। तो गाइस, अगर मेरे पास यूएफआई बॉक्स ना होता तो मैं ये फ़ोन रिपेयर करता रहता, क्योंकि ईएमसी की जो हेल्थ ख़राब है वो पता ही नहीं चलती मुझे। तो गाइस, लगता है कि हमारी ईएमसी ख़राब है, इसलिए ये डिटेक्ट ही नहीं हो रही है। हाँ, तो ये हमारी ईएमसी ही ख़राब हो चुकी है। तो गाइस, इसकी ईएमसी चेंज होगी, और अब ये हमारा अगर कस्टमर बोलता है तो हम इसकी ईएमसी चेंज करेंगे। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसे फ़ोन आता है तो आप उसकी प्रॉब्लम को इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, तीन स्टेप में। तो गाइस, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं इसी के सेकंड पार्ट में, अगर वो हमसे ईएमसी चेंज करवाता है तो।